नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड। मेरा भाईंदर भाईंदर ईस्ट के तलाव रोड स्थित राजमहल नामक एक इमारत है जो करीब 8-10 सालों से केवल आई बीम के ऊपर खड़ी हुई है, लोहे के एंगल पे खड़ी हुई है, उसे सपोर्ट दिया गया है। इमारत को महापालिका ने जर्जर घोषित कर रखा है और आप इस बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं कि ये इमारत आई बीम पर खड़ी हुई है, उसे सपोर्ट दिया गया है। इस इमारत के जब टुकड़े नीचे लोगों पर गिरने लगे, खस्ता हाल होने के बाद में जब यहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्क या चाहे लोहे के सलिया कहो या सीमेंट कंक्रीट के पत्थर कहो, वो सब जब गिरने लगे तब लोगों ने यहाँ पर अपनी सुरक्षा के लिए इस इमारत को खाली कर दिया। आप इस इमारत को देख सकते हैं कि अब लोहे के जो एंगल है, जो आई बीम है, वो भी यहाँ पर क्रैक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी क्रैक हो चुके हैं। ये बिल्डिंग जर्जर घोषित हो चुकी है और कभी भी गिर सकती है, और जब ये बिल्डिंग गिरेगी तो ये पूरी बगल वाली जो बिल्डिंग है उस पर ही गिरेगी। यहाँ पर महानगर पालिका ने एक गटर भी बनाया है और वो गटर की हाइट बढ़ने के चलते यहाँ की जो दुकानें हैं वो दुकानें भी निचले हिस्से में चले गई है। कई सारे लोगों ने, करीब 95% लोगों ने इस बिल्डिंग को खाली कर दिया है। 5% लोग हैं जो इसमें आज भी रह रहे हैं और अपना कारोबार चला रहे हैं। आप इस इमारत को देखिए कि अंदर तक यहाँ पर चारों तरफ से इसको आई बीम की मदद से सपोर्ट दिया गया है ताकि ये बिल्डिंग गिरे नहीं। ये बिल्डिंग कभी भी धस सकती है, कभी भी गिर सकती है। वो तमाम आप विजुअल देखिए कि कैसे यहाँ पर इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया है सपोर्ट के माध्यम से। अब ये चूँकि चैनल है लोहे के, इनकी भी एक लिमिट होती है, ये भी कहीं ना कहीं अब कमज़ोर होते हुए जा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि वो लगातार महापालिका से पत्र व्यवहार करते आ रहे हैं, लेकिन महापालिका इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और साथ में ही स्थानीय नगर सेवक पर भी लोगों ने आरोप लगाया है कि वो भी इस पूरे मामले को लेकर आंख मूंदे किए हुए हैं, न जाने क्या मामला है कि वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी बिल्डिंग को लेकर जो दूसरी बिल्डिंग है वहाँ के लोग हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है उनका और कितना डर का माहौल छाया हुआ है उनके बीच में इस बगल वाले बिल्डिंग को लेकर। जी, आप लोग कहाँ रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते हैं। क्या कहेंगे, ये जो बिल्डिंग जर्जर घोषित हो चुकी है और अब यहाँ पर उसे लोहे के एंगल पे खड़ा रखा गया है सपोर्ट के लिए, आपका क्या कहना है? हम लोग का तो, मेरा तो यही फ्लोर है और इधर ही है मेरा तो शायद ये गिरा तो मेरा भी जाएगा, तो तुरंत हम लोग को भी खाली करना पड़ेगा। तो जैसे भी बने वैसे इसको जल्दी इसका समाधान करवाइए। नहीं तो आपने यहाँ के जो आपके लोकल कॉर्पोरेटर है उनसे कभी इस बारे में बातचीत नहीं की क्या? उन्होंने कभी कुछ कहा? से बोल रहा है, एक साल से बोल रहा है। जी, क्या बोल रहा है और क्या जवाब दे रहे हो? हाँ, चालू है, कार्यवाही चालू है, ऐसा बोल रहा है कि हाँ कर रहा है ऐसा बोल रहा है। कुछ और यहाँ की स्थानीय महिलाएं जो हमसे बात करेंगे, जो हमें बताएंगे, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर के? ये इमारत 4-5 वर्षापासून पडायला आले बिल्डिंग। आम्ही इकडे हा सोसायटीत राहतो साईनाथ मध्ये, आणि किती धोकादायक आहे हे शाळा इथे, हे जे एंगल आहे ना हे हमेशा कुणाला 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 लागत राहतं। लहान मुलांना तर लागतच लागतं आणि आम्हाला पण लागलेलं आहे, म्हणजे मला लागलंय, याच्या मम्मीला लागलंय, खूप जणांना लागतं हे जाता येता। पण तुम्ही जे पत्रव्यवहार केलेले आहे महापालिकेशी किंवा स्थानिक जे तुमचे लोकल कॉर्पोरेटर आहेत त्यांच्याशी, मग त्यांच्याकडून काय उत्तर मिळालं तुम्हाला? ते बोलतात करतोय आम्ही, आमचं चालू आहे काम, होईल थोड्या वेळाने, होईल थोड्या वेळाने। आता लेटर तर सगळीकडे आमचे देऊन झालेले आहेत, आता काय करायचं तेच करत नाही, आमच्याकडे प्रूफ पण आहेत। म्हणजे असं म्हणता येईल का स्थानिक जो नगरसेवक आहे किंवा महापालिका आहे ते वाट बघत आहेत का काहीतरी मोठी दुर्घटना होवा? तेच बोलायचंय, जेव्हा पडेल त्याच्यात माणसं पण राहतात, त्यांना पण खाली करत नाही, आणि ही पडली तर आमच्या बिल्डिंगवर पडेल, म्हणजे आम्ही सेफ आहोत ते पण जाऊ। आता हे आम्हाला पण तेच कळत नाही, महानगरपालिकेचे लोक काय वाट बघतायत का कोण मरणाची, यांना खाली करायला पाहिजे, या बिल्डिंगचं काहीतरी करायला पाहिजे। तुम्ही लोक आता इथं जे राहत आहेत का तुम्ही स्वतःला सुरक्षित मानतायत का? तुमचा जीव मुठी मध्ये आहे? सुरक्षित नाहीत म्हणून आम्ही लेटर दिलंय ना, हो सगळीकडे त्याच्यासाठी हे करतोय, आमचा सेक्रेटरी सगळीकडे फिरत असतो, पण काही होत नाही त्याला, आम्ही पण काय करणार इलाज नाही त्याला। आमच्या मार्फत आपण काय सांगणार मानपा आयुक्त जे संजय काटकर जे आहेत ते नवीन आलेले आहेत, त्यांच्यापर्यंत तुमची जे काही भावना आहेत किंवा तुमची जे काही मागणी आहेत ते आमच्या मार्फत तुम्ही काय सांगणार? नगरपालिकेला एवढंच मागणं की लवकरात लवकर या बिल्डिंगचं काहीतरी करा, म्हणजे आम्ही तरी सुरक्षित राहू।
आणि त्या लोकांना पण सुरक्षित करा. धन्यवाद. आमच्याशी बोलल्याबद्दल धन्यवाद. अजून और कोई बोलले का यहाँ पर जी? आप क्या नाम, आपका क्या नाम? मंगेश घरत जी. कहाँ रहते हैं आप? इसी बिल्डिंग में, ए विंग में 303 में रहता हूँ जी. क्या कहेंगे आप इस इमारत की इस हालत को देखकर? इमारत पूरी धोखादायक है. दूसरी चीज, यहाँ पे रोड है, रोड कनेक्ट होता है, ये बाजू में स्कूल है, स्कूल के बच्चे लोग 12 बजे सुबह शाम को 5 बजे सब जाते आते रहते हैं. और ये बिल्डिंग पूरी जा चुकी है. पिछले एक साल से हम लेटर वगैरह सब दे रहे हैं, लेकिन उनका कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, रिप्लाई कुछ ही नहीं आ रहा है. बस कर रहे कुछ नहीं हो रहा है. तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई एक्शन ले. हमने देखे कि उस इमारत को लोहे के एंगल से, चैनल से और आई बीम से जो एक उसे सपोर्ट दिया गया है, ये कब किया गया है और क्यों किया गया है और किसने किए? 7-8 साल हो गया इसको. हाँ, 7-8 साल से ज़्यादा हो गया रहेगा. जब इसमें आते रहते हैं ऑडिट के लिए, तभी उन्होंने बता दिया था कि बिल्डिंग नहीं जाएगी, लेकिन तो फिर भी उन्होंने ये लगा के छः साल तो निकाल दिया इन्होंने पूरा. ये कौन लगाया था ये एंगल? सोसाइटी लगाया था. तो अब ये सोसाइटी के लोग कहाँ पर है, वो क्यों सामने नहीं आ रहे? वो कोई सामने नहीं आ रहा है, किसी चीज़ के लिए नहीं आ रहा है, किसी चीज़ के लिए कोई नहीं रिप्लाई, किसी ने सब भाड़े पे देके निकल गया यहाँ से. जी आप भी कुछ कह देते हैं. मैं बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ. मैंने एक साल से पत्र व्यवहार किया हुआ है नगर पालिका में. यहाँ के स्थानिक नगर सेवकों को, तीन नगर सेवकों को भी बोला दिया है. उन्होंने बोला है कि पत्र व्यवहार किया, लेकिन वहाँ कार्रवाई एक ही पे हुआ नहीं है. ऐसा है, बार बार बोलने के बावजूद अभी हर साल 3 साल में स्ट्रक्चर ऑडिट होता है. तो मेरा बोलना है, स्ट्रक्चर ऑडिट हो गया तो बिल्डिंग अभी तक कार्रवाई पे क्यों नहीं गई अभी तक? तो ये यहाँ के जो आपके जो लोकल कॉरपोरेटर है, वो उनके पास भी आप शिकायत लेके गए होंगे, तो उनके तरफ से क्या प्रतिक्रिया? तीन बार दिया हुआ पहुँच है मेरे पास उनको, और उन्होंने भी बोलते पत्र व्यवहार किया है, लेकिन कार्रवाई अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है. किसे लापरवाही कही जा सकती है? लापरवाही है ना. जी आप भी कुछ कहेंगे? वही जो देखो, बिल्डिंग के बाजू में बिल्डिंग के जितने भी मेंबर्स है, इधर आते जाते रहते हैं, कब हादसा हो गया तो बोल नहीं सकते ना. इससे पहले एक स्टेशन के सामने हो गया, ऐसा हादसा ना हो, इससे पहले कुछ तो करे. दो बार पानी काटने के लिए आए थे, लाइट काटने के लिए आए थे, लेकिन कैसे उनके सेक्रेटरी चेयरमैन पैसा खिलाते और उन लोग चले जाते. मतलब इस इमारत को जो कि जर्जर घोषित हो चुकी है, उसे अब तक का पानी और लाइट दोनों भी सप्लाई किया चालू है, और प्लस जितने ऑनर है उन लोग ने सब भाड़े पे देखे. 5-6 जन है रहते हैं अभी भी, वो सब ऑनर तो रहते नहीं है, सब भाड़ोतरी रहते और भाड़े पे देखे वो अपना भाड़ा ले रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे. तो आप लोगों के मन में कुछ ऐसा चल रहा है प्लान कि अब अगर महापालिका नहीं जागती है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आप लोग आंदोलन करेंगे या अब धरने आंदोलन पर बैठ जाएंगे? वैसे भी हम लोग आज तो नीचे उतर ही गए, अभी आगे इतना बोलने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग सब आंदोलन करेंगे. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. ये है स्थानीय निवासी जो इस राजमहल नामक इमारत के बगल वाली बिल्डिंग में रहते हैं. उनका मानना है कि वो लगातार पत्र व्यवहार करते आ रहे हैं, मनपा प्रशासन से पत्र व्यवहार करते आ रहे हैं, स्थानीय नगर सेवक धनेश पाटिल से, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है. आरोप लगाया जा रहा है कि मनपा प्रशासन और स्थानीय नगर सेवक यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार कर रहे हैं. इस खबर के माध्यम से हम मनपा प्रशासन के तमाम आला अधिकारियों और खास तौर से मनपा आयुक्त तो संजय काटकर से अपील करना चाहेंगे कि राजमहल नामक जो इमारत है, उस इमारत के जो खस्ता हाल हो चुकी है, जर्जर घोषित की जा चुकी है, उस पर फौरी तौर से कार्रवाई की जाए, उसे डेमोलिश किया जाए. चूंकि ये जो इमारत है ये रास्ते से लगकर ही है और यहाँ पर लोगों का आना जाना है, पास में ही करीब स्कूल भी है. आखिर में जाते जाते हम उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराएंगे जो उस राजमहल नामक इमारत में रहा करता था, उसके साथ में क्या हुआ ये भी हम जान लेते. जी आपका नाम बताइए, कौन से फ्लोर पे आप रहते थे और क्या हुआ है? सर मैं चौथे माले पे रहता था, मेरा नाम छोटू है. वहाँ पे सीलिंग रात के टाइम मेरे सर पे लग गया था. ये कब की बात है? अभी ये हुआ था बरसात में टाइम हुआ था. बरसात के टाइम हुआ था. यहाँ पे खाली करने आए थे लोग, रह रहे थे, फिर लोग खाली कर दिए थे. धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. सुन लिया आपने कि जो इस राजमहल नामक जो जर्जर घोषित इमारत है, उनकी छतें भी गिरने लगी है. ये तो अंदरूनी बात हो गई, लेकिन बाहरी रूप से बिल्डिंग को सुरक्षित करने के लिए या बिल्डिंग ना गिरे इसके चलते सोसाइटी के सेक्रेटरी और चेयरमैन इन लोगों ने उसे आई बीम पर खड़ा कर रखा है, जो कि अब धीरे धीरे टूटने भी लगे हैं. उम्मीद करते हैं कि मनपा प्रशासन जरूर इस संदर्भ में कोई सकारात्मक पहल करेगी और कुछ न कुछ एक ऐसा ठोस निर्णय लेगी जिसके चलते स्थानीय लोग यहां पर राहत की सांस ले सके. आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कोशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर. धन्यवाद.